हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा डाइकिन का एसी है, 1.5 टन है, इसमें R32 गैस है। तो फ्रेंड्स, हमने ये एसी चेक किया, इंडोर सही चल रहा है, ऊपर आके देखा तो इसका कंप्रेसर नहीं चल रहा है, हाथ से घुमाया तो पंखा चल रहा है, वो भी स्लो चल रहा है। तो इसमें हम चेक करेंगे इसका, इस पर कैपेसिटर जो है 40+4 MFD का कैपेसिटर लगा हुआ है, 40 MFD का कंप्रेसर का है और 4 MFD का जो है वो हमारा फ़ैन मोटर का है। तो चलिए हमने इसे एक बार एसी को ऑफ़ करवाते हैं, ऑफ़ करने के बाद फिर इसे चेक करते हैं कि इसमें कैपेसिटर हमारा ख़राब है या और कुछ प्रॉब्लम है, वो हमें चेक करने के बाद ही पता लगेगा। चलिए सबसे पहले इसे हम ऑफ़ कर देते हैं, ये हमारा एसी ऑफ़ हो गया। देखिए हमारा एसी ऑफ़ हो चुका है। चलिए इसे कैपेसिटर चेक करते हैं इसका। सबसे पहले इसका ये नट लगा हुआ है कैपेसिटर पे, इसे हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए कैपेसिटर हमारा 40+4 का है, इसे एक बार निकाल लेते हैं। ये हमने देखिए किलोमीटर ले लिया है, तो इसको हम सेट करेंगे। ये हमारे 4 पॉइंट होते हैं इसमें, तो इसमें भी हम सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा इस समय सिलेक्ट वाला ऑप्शन दबाएंगे, इसमें आ गया ये देखिए, ये आ गया बजर का, ओम का, ये आ गया एनएफ हमारा कैपेसिटेंस बताता है। इस पर ऑटो एनएफ पे कर लेंगे इसे सेट। अब इसको हम थिम्बल पर लगा के चेक करेंगे। ये हमारा कैपेसिटर है पुराना, तो इसमें एक थिम्बल हम यहाँ लगाएंगे जिधर एच लिखा है, और ये दूसरा वाला थिम्बल, ये देखिए दूसरा थिम्बल कॉमन पर लगाएंगे हम, और ये एक थिम्बल इस पे लगाएंगे, एक ये दोनों पे इस तरीके से लगाएंगे। अब इसे हम चेक करेंगे, ये देखिए कुछ वैल्यू बताएगा, तो ये कुल 2.33 MFD बता रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये देखिए इसकी वैल्यू होनी चाहिए 40 MFD। अब ये 4 MFD जो है हमारा ये फ़ैन कैपेसिटर, इसको भी चेक कर लेते हैं कॉमन पे रख के, और ये जो हमारा फ़ैन की स्टार्टिंग है इस पे लगाएंगे इस तरीके से। अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं, ये वैल्यू कुल 0.89, मतलब 1 MFD से भी कम बता रहा है, तो इसका मतलब ये कैपेसिटर हमारा वीक हो गया, ये ख़राब हो गया। अब हम इसमें कैपेसिटर रिप्लेस करेंगे। ये देखिए ये हमारा ओल्ड कैपेसिटर रखा हुआ है 40+4, और ये हमारा न्यू कैपेसिटर है 40+4 का। अब इसे हम इसमें इस एसी में चेंज करेंगे, तो इसमें चेंज करने का वही तरीका सेम है। इसमें हमारा जो एक पॉइंट है इधर, ये देखिए इस पर लिखा होता है, देखिए इस पर लिखा होता है, ये जो हिस्सा है ये हमारा कंप्रेसर की स्टार्टिंग है। इसे ऐसे ही रख लेंगे, इसमें रेड स्टार्टिंग है, और ये जो वाइट कलर की ये जो आ रही है येलो, ये फ़ैन की स्टार्टिंग है, बाकी ये सारे एक जगह पे लगा देते हैं। फटाफट इसे हम करते हैं चेंज। तो देखिए फ्रेंड, ये हमने कैपेसिटर इसमें चेंज कर दिया है। अब हम करेंगे एसी को एक बार ऑन करवाएंगे, फिर इसे टेस्ट करते हैं कि ये चल रहा है या नहीं। देखिए फ्रेंड, ये एसी ऑन हो चुका है फाइनली। हमारा कैपेसिटर चेंज होने के बाद एसी हमारा ऑन हो गया। देखिए फ़ैन अपनी फुल स्पीड पे चल रहा है, कंप्रेसर भी हमारा चल रहा है, देखिए वर्किंग कर रहा है अच्छी तरीके से, और पाइप पे भी देखिए पाइपों पे मॉइस्चर आ रहा है। ये देखिए एसी हमारा अच्छी तरीके से परफेक्ट काम कर रहा है। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।